ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी इको विलेज 2 में अचानक जो लोग हैं वो बीमार पड़ने लगे और बीमारों में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो बच्चों की है। दरअसल में यहाँ पर जो कुछ टावर्स हैं जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इको विलेज 2 सोसाइटी है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की। ये काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, बताया जा रहा है कि इसमें करीब 5000 से अधिक फ्लैट बने हुए हैं और काफ़ी रेजिडेंट जो है ये वो यहाँ पर रहते हैं। जो सामने टावर देख रहे हैं C1 C2 C3 C4, इस टावर में अचानक जो बच्चे हैं जो बड़े हैं वो एकदम अचानक उनको उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी और बीमार पड़ने लगे। इसको लेकर के पहले लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जब बातचीत की गई और जब बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो गए तो उसमें पता चला कि कुछ पानी की जो टंकी है वो 2 दिन पहले सफाई हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि आरोप ऐसा है कि कुछ उसमें जो केमिकल था उसके कुछ अंश रह गए थे, जिसकी वजह से वो पानी में घुल करके लोगों के घरों तक पहुंच गए और लोग बीमार पड़ने लगे। आप हमारे साथ में कुछ रेजिडेंट हैं, यहाँ पर बात करेंगे। सर ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेश कुमार है। अच्छा, क्या हुआ? सर कल हम लोग तो ऑफिस के अंदर थे, लेकिन दिन के अंदर कुछ लोगों ने कल सुबह से ही रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि बच्चों की तबीयत खराब है। तो जनरली हम लोगों ने वैसे ही लिया कि आजकल मौसम खराब है तो उस वजह से हो रहा होगा। तो उसके बाद जब ये बात धीरे धीरे दोस्तों में पता चली तो फिर एक तरफ हमारा टैंक भी खाली हुआ था, 2 दिन पहले सफाई हुई थी उसके बाद वो रिफिल हुआ था, तो हमने सोचा कहीं उससे तो कोई कोरिलेशन नहीं है, तो हमने वो वाला इशू रेज किया कि कहीं पानी की तो कोई दिक्कत नहीं हो गई है। फिर शाम तक ये रिपोर्ट किया, पानी का टैंक खाली हुआ हमारे C4 टावर का, इसका ये जो कॉर्नर वाला टावर है C4 का, इसका टैंक खाली करके दोबारा रिफिल किया गया है। और उसके बाद शाम होते होते बहुत सारे पेरेंट्स जो थे वो रिपोर्ट करना शुरू कर दिए कि हमारे बच्चे को लूज मोशन हो रहा है, और कुछ जो एडल्ट्स हैं उन लोगों को भी हो रहा है लूज मोशन है। मेरा ब्रदर इन लॉ है, इसमें C5 1308 में रहता है, तो कल से लेके लूज मोशन से इम्पेक्टेड है। और रात में उनके बेटे को, छोटा बच्चा है वो 1 साल का हुआ है अभी मुश्किल से, तो उसको पेट में दर्द हो गया था, वो रात भर सो नहीं पाया है, तो उसे भी रात को दिखा के लेके आए। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ मिलके सब लोगों की मदद कर रहे थे, दवाई वगैरह देने का, पानी मंगवा रहे थे, और हमारे घर सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी आज सुबह जब उठाए तो बेटे को लूज मोशन 3 बार आ चुके हैं, उसे वोमिटिंग हो चुकी है। वो 70 साल का बच्चा है, स्कूल जाता है कॉलेज मतलब 12th क्लास में। और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ये वाले भी जो लोग हैं जी, कुल कितने पेशेंट ऐसे होंगे कि जो इससे अफेक्टेड हुए हैं? कितने सर? रात हम डॉक्टर जैतब भी यहाँ पे बैठते हैं और उनका क्लिनिक है, उनके पास हम गए थे तो पता लगाने के लिए कि ये ट्रेंड जो है मतलब वाकई में पानी का इशू हो सकता है अगर डॉक्टर के पास ज़्यादा बच्चे जा रहे होंगे। तो हम उनके पास गए तो लगभग 9 बजे के आसपास हम गए थे, उन्होंने बोला सुबह से लेके मैं 100 से 150 बच्चों की दवाई यहाँ से जा चुकी है। कुछ लोग जैतब्य जी के पास जाते हैं सीधे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ से दवाई लेते ही नहीं है, वो किसी अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मान के चलना है कि 200 से ज़्यादा लोगों को ये इशू आया है, और कुछ लोगों को तो अभी भी इशू है लेकिन उन्हें पता नहीं है। धीरे धीरे, जैसे मेरे बेटे को आज हुआ, मैं कल तक नहीं मान रहा था, अपने आप को उधर काउंट नहीं कर रहा था, लेकिन उसे हो गया, बड़ा बच्चा है वो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 200 से ज्यादा लोगों को ये दिक्कत। हमारे साथ में कुछ सर, आपका भी बच्चा बीमार हुआ? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश सिंह है। अच्छा, क्या उसको शिकायत हुई, कैसे उसने कंप्लेन की? एक्चुअली मैं ऑफिस में था कल शाम में, तो मेरे पास फोन से अचानक घर से अचानक फोन आया कि बेटी की तबीयत खराब है, उसको वोमिटिंग हो रही थी 2-3 बार, फिर फीवर आ गया, उसको लूज मोशन होने लगे। तो इसी बीच में मैंने अपने जो सोसाइटी के ग्रुप का मैसेज देखा तो उसमें ये बल्क में कंप्लेन आ रही, बिल्कुल बाढ़ सी आ गई। इनफैक्ट मेरे फ्लोर पे 8 फ्लैट हैं जिसमें 4 फ्लैट में ऐसा होने लगा। तो उसके बाद फिर बच्चे को डॉक्टर के पास जब वाइफ लेके गई तो वहाँ पे कम से कम 20-25 लोग थे, कोई बच्चे वहाँ पे लेटे हुए थे, कोई नीचे लेटे हुए थे, कोई डॉक्टर के पास लेटे हुए थे। कल वाकई में बहुत ही हालत ख़राब थी, और इसका सस्पेक्टेड रीजन जो लग रहा है 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे वाटर टैंक सप्लाई हुई है काफ़ी टावर्स में, उसके बाद ही ये हुआ है। ठीक है सर। सर ये बताइए कि आपको क्या, आपका भी बच्चा बीमार है या क्या आपकी यहाँ मैनेजमेंट से बात हुई, कुछ बोला सोसाइटी के? नहीं, बच्चे मेरे थोड़े बड़े हैं, टचवुड मेरे बच्चे ठीक है, अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मेरे को भी, मैं ऑफिस से आया रात को 8 बजे के आसपास, तो मुझे ज़्यादा पता ही नहीं था, जब देखा ग्रुप फ्लडेड पड़ा हुआ है, तमाम बच्चे, फिर यहाँ की कुछ वीडियो डाली इसकी डॉक्टर यहाँ पर जैतव्य, तो उनके यहाँ पर तो मतलब खड़े होने की दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ तो मतलब मिलने ही बंद हो गई थी यहाँ पर। मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है ना, देखिए अभी बरसात चल रही है, बरसात में हमारा जो बेसमेंट है
वो बेसमेंट ओवरफ्लोड रहता है, पूरे का पूरा नीचे सीवर का पानी उसमें पड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था जो हमारे वाटर टैंक है उसमें कहीं ना कहीं कुछ उसकी कंटेमिनेशन गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसकी शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत तो इंटरनली मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि ये इसमें, मैंने खुद कई बार इसको हाईलाइट किया हुआ है। अभी भी कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें तमाम सीवर का पानी भरा पड़ा था। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही मतलब एक ग्रॉस नेग्लिजेंस मुझे लगता है बिल्डर का, जो कि यहाँ पर जितने भी बेसमेंट में आए दिन हर तीसरे चौथे दिन वो हो जाता है, पूरे का पूरा सीवर का पानी ओवरफ्लो करता है। इस चीज को थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका नाम? जी पुनी चौहान। मैं भी। अच्छा। सर क्या आपका बच्चा बीमार हुआ है? जी मेरा बच्चा नहीं, बच्चे तो मेरे अभी दोनों ठीक हैं, लेकिन मेरी वाइफ को स्टार्ट हुआ था वोमिटिंग और लूज मोशन। तो मैंने इनिशियली जो फर्स्ट एड घर पे था वो प्रोवाइड कर दिया था, तो उससे स्टार्टिंग एज में ही वो सॉल्व आउट हो गया था। लेकिन मेन दिक्कत सर ये है कि अभी जो रेनी सीजन चल रहा था ना, तो अभी स्टार्टअप में हम लोग ये समझे कि ये सिर्फ वेदर इफेक्ट है और हर घर में थोड़ा थोड़ा लूज मोशन वगैरह ये सब चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे मैसेज फ्लोट हुए, जैसे जैसे मैसेज फ्लोट हुए ना ग्रुप पर, तब चीज़ें अलग टावर से भी समझ में आई कि इसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा लोगों की है। तब लेकिन हम थैंक देर करना चाहते हैं डॉक्टर जीता भगत। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आप बताइए, आप भी सोसाइटी में? हाँ जी। क्या नाम है? राजेश ठाकुर। अच्छा सर बताइए कि क्या मतलब क्या कंप्लेन आ रही है, किस तरीके की दिक्कत है? ये कंटिन्यू प्रॉब्लम तो चल ही रही है, पानी वानी की जो ड्रेनेज का पानी है वो बेसमेंट में रखा हुआ है, तो इस वजह से प्रॉब्लम है ये। और अपने घर में भी दो लोग बीमार हैं परसों से। अच्छा अभी इसी सोसाइटी में? क्या नाम है? काली प्रसाद पांडे। अच्छा ये बताइए काली जी कि अभी क्या स्थिति है, सब लगभग कमोबेश यही टावरों में सभी में है? टावर में है, ऑलमोस्ट हर टावर में है, एक दो टावर को छोड़ दे तो बाकी सारे टावर में है। कल हम लोग रात को लिस्ट निकलवाई थी, मैसेज पे चला था, कम से कम 150 लोगों ने तो अपना नाम डाल दिया था वहाँ पे कि 150 से ऊपर लोग बीमार हैं। और एक फैमिली में 150 फैमिली का नाम था, फ्लैट का नाम था। अब एक फैमिली में दो लोग थे, मेरे घर में खुद मेरी वाइफ मेरी बेटी बीमार है दोनों। अच्छा इसका आप बता रहे कि SDM या रात प्रशासन की टीम आई थी, उसमें कैंपेनिंग करने की बात आज से कह रही है? वो लोग आए थे जांच पड़ताल कर, वो ऐसे जानकारी के लिए आए थे कि क्या हुआ है, लेकिन अभी कोई ऐसा जाँच पड़ताल हुआ नहीं है। वो करेंगे, आएंगे तो करेंगे। वो लोग आज दिन के लिए बोला है कि कल दिन में आएंगे, हम लोग ये करेंगे, देखते हैं क्या हुआ हुआ नहीं। बता रहे थे कि अथॉरिटी की टीम भी आने वाली है, वो आकर के पानी की जाँच करेंगे। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो पानी का लफड़ा हुआ है, अदरवाइज इतने सारे लोग एक साथ बीमार होना, एक ही टावर, सिर्फ मेरे टावर में 50 लोग हैं कम से कम। कौन से टावर में रहते हैं? C8 में रहता हूँ। हमारे साथ जिलाधिकारी मनीष वर्मा जी साथ में हैं। सर अभी जो आप क्या इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, कैसे हालात हैं और क्या आपकी तरफ से किया जा रहा है? देखिए कल रात में सूचना मिली कि सोसाइटी में कई बच्चे बीमार हो गए हैं और ये शायद पानी की वजह से लोग बता रहे थे। जैसे हमें सूचना मिली, हमारी टीम वहाँ, मेडिकल की टीम, हमारे मैजिस्ट्रेट, ये सारे लोग पहुँचे थे। तो स्थितियाँ वैसे तो ठीक थी, बच्चे जो है वो सब अपने अपने घरों में सो चुके थे और जो लोग उपलब्ध थे उनको देखा गया और वहाँ पे कुछ दवाइयाँ वगैरह रखवाई गई हैं। रात में चूँकि सारे बच्चे एक बार दवाई लेके अपने अपने घरों में जा चुके थे और इसीलिए आज अभी सुबह से ही हमने अपनी मेडिकल की टीम को बोला है कि वो लोग एक कैंप करें और सबका थॉरो हेल्थ चेकअप हो जाए, कोई समस्या ना हो और उनको प्रॉपर दवाइयां और सारी सुविधाएं मिल जाएं। इसके अलावा जो ये पानी की बात बताई गई है, तो हमने अपनी जो भूगर्भ जल संरक्षण वाली टीम है उनको भी लगाया है कि वो भी वहाँ पर जाके एक बार पानी का सैंपल वगैरह ले लें, जिससे पता चले कि कहीं पानी में कोई इन्फेक्शन या कोई समस्या ना हो। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से भी हमने अनुरोध किया है कि वो लोग भी अपनी टीम एक बार भेज दें, जिससे कि वहाँ पे पानी की क्यों दिक्कत आ रही है और इस तरह की समस्या क्यों आ रही है इसको देखा जा सके। सर वहाँ पे बताया जा रहा है जो सोसाइटी के लोग हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, 5,000 फ्लैट है और काफ़ी तादाद में वहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनको जो पानी उनको बिल्ड सोसाइटी की तरफ से मिल रहा है उसको वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ आसपास के इलाके में पानी की जो पीने वाला पानी है उसकी भी किल्लत हो गई है, उसके लिए भी कोई व्यवस्था की गई है? अभी हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की टीम को लगा रहे हैं, वो लोग एक बार चेक कर लेंगे कि जो सोसाइटी से पानी की सप्लाई हो रही है वो कितना सुरक्षित है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और जहाँ तक पेयजल की बात है तो उसकी सुविधा तो उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन ये कहाँ से समस्या आई है इसको हम लोग चेक करा के इसका समाधान कराएंगे। बिल्कुल, जो ये थे जिलाधिकारी जो बता रहे थे कि वहाँ पर वो कैंप जो है वो कर रहे हैं और लोगों की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा।